पे सर्च कर करके थक गए हो डी न्यू गेम्स फॉर पीसी प्लेटफॉर्म, तो भैया बिल्कुल आप सही वीडियो पे आए। फिर मैं आप लोगों के लिए कुछ ऐसे फ्री टू प्ले पीसी गेम लेके आया हूं, तो वीडियो छोड़ के जाना मत। इसलिए इनमें से काफी सारे दोस्तों जो ट्रिपल ए गेम्स आज के डेट में खेले उस टाइप के गेम्स यहाँ पर आपको देखने को मिलते हैं। एंड इन सभी गेम्स का ग्राफिक क्वालिटी दोस्तों नेक्स्ट लेवल का है। कुछ गेम दोस्तों GTA 5 रोल प्ले जैसे हैं। तो अभी तक आपने इसने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो भाई घर के आ रहे हो, नीचे जो लाल रंग का सब्सक्राइब बटन है दबा दो, जो बेल आइकन है उसे प्रेस कर दो, जैसे कोई भी वीडियो अपलोड होता है आपको सबसे पहले मिले। तो बिना मिलते हैं चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। निकल के आता है उस गेम का नाम है द फर्स्ट डिसेंडेंट। एंड द फर्स्ट डिसेंडेंट की बात करें तो एक थर्ड पर्सन शूटिंग एक्शन एडवेंचर ओपन वर्ल्ड वीडियो गेम है। मतलब पब्लिश किया गया नेक्सॉन गेम्स के द्वारा। एंड बेसिकली दोस्तों ये गेम आपके सभी प्लेटफॉर्म के लिए या आपके पीसी प्लेटफॉर्म के लिए काफी सारी तरीके से उपलब्ध है। गेम की बात करें तो दोस्तों गेम फ्री टू प्ले, आप स्टीम में इस गेम को आराम से जाके प्ले कर सकते हैं। की स्टोरी की बात करें तो यहाँ पर क्रिएचर्स देखने को मिल जाते हैं जो कि ह्यूमंस के ऊपर अटैक करते हैं। तो बेसिकली आपको अटैक करना पड़ता है एंड अपने प्लैनेट को सेव करना पड़ता है। कंप्लीटिंग मिशन दोस्तों यहाँ पर आपको चार अलग अलग कैरेक्टर देखने को मिल जाते हैं जिनके पास अपने हिसाब से अलग अलग टाइप के एबिलिटी के पावर रहते हैं। गेम काफी एक्शन से भरा हुआ, आपको जरूर से इस गेम को प्ले करना चाहिए। गेम ग्राफिक्स क्वालिटी तो नेक्स्ट लेवल का है। इस टाइप का फ्री टू प्ले गेम दोस्तों आपने कभी नहीं खेला होगा, जरूर से इस गेम को ट्राई करें। सिस्टम रिक्वायरमेंट की बात करें बल्कि इस रैम की बात करें तो मात्र 6GB होना चाहिए। ग्राफिक कार्ड की बात करें 2GB के आसपास ग्राफिक कार्ड होना चाहिए। प्रोसेसर की बात करें तो i5 में गेम आराम चल जाएगा। स्पेस की बात करें 30GB के आसपास स्पेस का लगता है इस गेम को इंस्टॉल करें। तो अगर आपका मन करा है इस गेम को प्ले करने का तो खुद फन के जाओ एंड इस गेम को प्ले कर लो। वेल गाइस इसी के साथ बढ़ते हैं हमारे सेकंड गेम के ऊपर। जो हमारा सेकंड गेम निकल के आता है उस गेम का नाम है द फाइनल्स। एंड दोस्तों तो फाइनल्स की बात करें तो इस गेम को डेवलप एंड पब्लिश किया गया एम्बॉक्स स्टूडियो के द्वारा। एंड बेसिकली ये गेम भी आपके पीसी प्लेटफॉर्म के लिए काफी आसान तरीके से उपलब्ध है। गेम की बात करें तो वेल गाइस गेम फ्री टू प्ले है। GTA 5 टाइप के रोल प्ले गेम को खोज रहे हैं जो कि फ्री टू प्ले है, तो भैया द फाइनल सिर्फ आप ही के लिए, क्योंकि इसमें आप सेम एज इट इज प्ले में अपने को पूरा मैप देखने को मिलता है ओपन वर्ल्ड। तो इस गेम में भी आपको सेम एज इट इज देखने को मिल जाता है। आपको रोल प्ले मोड देखने को मिलता है, बैटल रॉयल मोड देखने को मिलता है, काफी सारे मोड्स देखने को मिल जाते हैं। लाइव लोकेशन में यहाँ पर आप फाइट करते हो या मिशन कम्प्लीट करते हो, काफी मजा आने वाला है। रिक्वायरमेंट की बात करें तो रैम की बात करें तो 4GB होना चाहिए। ग्राफिक कार्ड की बात करें तो 2GB ही रैम। दोस्तों प्रोसेसर की बात करें में गेम आराम चल जाएगा। स्पेस की बात करें तो 40GB के आसपास स्पेस का लगना है इस गेम को इंस्टॉल करने। तो अगर आपने मन करा है इस गेम को प्ले करने का तो नीचे लिंक है, आप वहां से गेम प्ले कर सकते हैं। वेल गाइस इसी के साथ बढ़ते हैं हमारे थर्ड गेम के ऊपर। थर्ड गेम निकल के आता है, उस गेम का नाम है आर्क रेडर्स। एंड आर्क रेडर्स की बात करें टू प्ले एक्शन एडवेंचर ओपन वर्ल्ड वीडियो गेम है जिसे डेवलप एंड पब्लिश किया गया इनवर स्टूडियोज के द्वारा। बेसिकली ये गेम भी दोस्तों आपके पीसी प्लेटफॉर्म के लिए काफी आसान तरीके से उपलब्ध है। गेम की बात करें पर आपको अपने आइलैंड को प्रोटेक्ट करना पड़ता है आपके एनिमी से, क्योंकि वो आपके आइलैंड पे पूरा तोड़ फोड़ एंड कैप्चर करने का कोशिश करते हैं। कि सर इंटरेस्टिंग मिशन देखने को मिलेंगे। एंड सच बताऊं तो दोस्तों इस गेम का स्टोरी लाइन आपको काफी अच्छा देखने को मिलेगा। गेम मल्टीप्लेयर है तो अपने प्यारे रसूले दोस्तों के साथ इस गेम को आराम से प्ले कर सकते हो। गेम का ग्राफिक्स क्वालिटी नेक्स्ट लेवल का है दोस्तों, वो खेल के पूरा मजा आने वाला है। रिक्वायरमेंट की बात करें तो रैम की बात करें तो मात्र 8GB होना चाहिए। ग्राफिक कार्ड्स की बात करी भी नहीं जाए तो प्रोसेसर की बात करें 5MB गेम आराम चल जाएगा। स्पेस की बात करें 3GB के आसपास स्पेस ख्याल रखना इस गेम को इंस्टॉल करने के लिए। तो अगर आपका मन करे कि वो प्ले करने का नीचे लिंक है, इस गेम को प्ले कर सकते हैं। वेल गाइस इसी के साथ बढ़ते हैं हमारे फोर्थ गेम के ऊपर। और फोर्थ गेम निकल के आता है, उस गेम का नाम हाइप स्क्वाड। हाइप स्क्वाड की बात करें तो एक क्लोज क्वार्टर कॉम्बैट गेम है आपके पीसी प्लेटफॉर्म के लिए। एंड ये फ्री टू प्ले गेम है, स्टीम से जाके इसे इंस्टॉल कर सकते हैं। इस गेम को डेवलप एंड पब्लिश किया गया है मार्वल एंड टू के द्वारा। एंड बेसिकली ये गेम आपके पीसी प्लेटफॉर्म के लिए काफी आसान तरीके से उपलब्ध है। खेलते हो पबजी पीसी खेलते हो तो सेम एज इट इज दोस्तों वही कंसेप्ट का यहाँ पर आपको गेम देखने को मिलता है। ये बैटल रॉयल गेम है। जी हाँ दोस्तों इस गेम में आपको मल्टीप्लेयर सिंगल प्लेयर इनफैक्ट इसमें आपको काफी सारे अलग अलग मोड्स देखने को मिलते हैं। यहाँ पर आपको काफी डिफरेंट टाइप्स ऑफ कैरेक्टर देखने को मिलते हैं जिनका अपने हिसाब से अलग अलग एबिलिटीज पावर रहते हैं। एंड दोस्तों इस गेम में आपको काफी सारे अच्छे वेपन्स देखने को मिल जाते हैं। गेम का मैप काफी बड़ा है, इस गेम को एक बार ट्राई करना चाहिए। नया बैटल रॉयल गेम खोज रहे हैं आपके पीसी प्लेटफॉर्म पे। गेम का ग्राफिक क्वालिटी काफी हाई है दोस्तों एंड इस गेम का साइज भी कम है दोस्तों, ये आपके मिड रेंज वाले पीसी या लैपटॉप में आराम से चल जाएगा।
गेम की सिस्टम रिक्वायरमेंट की बात करें तो रैम की बात करें तो मात्र 6GB होना चाहिए, ग्राफिक कार्ड की बात करें 2GB होना चाहिए, प्रोसेसर की बात करें तो i3 में गेम आराम से जाएगा, स्पेस की बात करें तो 4GB के आसपास स्पेस है लगना इस गेम को इंस्टॉल करने के लिए। इसलिए इस गेम को प्ले करने का तो बूट फार्म के जाओ, नीचे लिंक है इस गेम को इंस्टॉल करने का। वेल गाइस, इसी के साथ बढ़ते हैं हमारे 5th गेम के ऊपर, क्योंकि जो हमारा 5th गेम निकल के आता है उस गेम का नाम है वर्ल्ड एक्सपर्ट। एंड वर्ल्ड एक्सपर्ट की बात करें 2023 का एक काफी पॉपुलर फ्री टू प्ले वीडियो गेम है जिसे डेवलप एंड पब्लिश किया गया है कोरिया प्रॉप गेम्स के द्वारा। बेसिकली ये गेम भी आपके पीसी प्लेटफॉर्म के लिए काफी आसान तरीके से उपलब्ध है। गेम की बात करें तो गेम दोस्तों टोटली ओपन वर्ल्ड एनवायरनमेंट में बेस्ड बैटल रॉयल गेम खेलेंगे, तो उनमें से ये काफी नेक्स्ट लेवल और एक काफी रियलिस्टिक ग्राफिक्स वाला फ्री टू प्ले गेम है दोस्तों। इस गेम का मेरे को सबसे अच्छी बात लगता है ये लगता है दोस्तों, गेम टोटली ओपन वर्ल्ड एनवायरनमेंट में बेस है, तो जब आप मैच खेलोगे तो भैया काफी मजा आने वाला है, पूरा एक्शन से भरा हुआ यहाँ आपको पूरा एक्सपीरियंस होने वाला है। तो GTA 5 रोल प्ले से भी मैच करता है, तो आपको इस गेम को जरूर से एक बार प्ले करना चाहिए। अच्छा रियलिस्टिक ग्राफिक्स क्वालिटी देखने को मिल जाता है, फ्री टू प्ले गेम में आपने काफी कमी देखने को मिलती है। गेम की सिस्टम रिक्वायरमेंट की बात करें तो मात्र 8GB होना चाहिए, ग्राफिक कार्ड्स की बात करें तो मात्र 2GB नीड है। एंड दोस्तों प्रोसेसर की बात करें तो ये i3 में गेम आराम से चल जाएगा, स्पेस की बात करें तो 15GB के आसपास स्पेस है लगना इस गेम को इंस्टॉल करने के लिए। तो अगर आपका मन कर रहा है चलो अच्छा बैठा बैठी कर लिया जाए तो बूथ फान के जाओ इस गेम को इंस्टॉल कर। बढ़ते हैं हमारे 6th गेम के ऊपर, जो हमारा 6th गेम निकल के आता है उस गेम का नाम है वॉलेंडर। एंड दोस्तों वॉलेंडर की बात करें, गेम को डेवलप किया गया ट्रायलॉजी गेम्स के द्वारा। एंड बेसिकली ये गेम भी आपके पीसी प्लेटफॉर्म के लिए काफी आसान तरीके से उपलब्ध है। गेम को रिलीज किया गया था 24 जनवरी 2023 को, तो काफी न्यूली फ्री टू प्ले गेम है दोस्तों। गेम की बात करें तो गेम में बेसिकली आप इग्नेंट आर्मी को यहाँ पर डिस्ट्रॉय करना रहता है, यहाँ पर 100 से भी ज्यादा दोस्तों वॉरियर्स प्लेयर के साथ आपको फाइट करना पड़ता है, मतलब जो आपके अपोनेंट रहते हैं, बैटल फील्ड होता है दोनों के बीच में, काफी सारे अलग अलग कैरेक्टर्स देखने को मिलेंगे। तो भैया जो भी आप कैरेक्टर सेलेक्ट करोगे उसके पास एक अपना खुद का पावर मजा आने वाला है दोस्तों इस गेम को आपको प्ले करके। एंड बेसिकली इस गेम का यही है स्टोरी लाइन दोस्तों, यहाँ पर आपको अपने अपोनेंट गेम की जो टीम रहता है उसे डिफीट करना रहता है, उनके कैसल में जाके आपको कैप्चर करना पड़ता है, तो काफी मजा आने वाला। जो एनवायरनमेंट देखने को मिलने वाला दोस्तों वो टोटली ओपन वर्ल्ड देखने को मिल रहा है, यहाँ पर काफी सारे वेपन्स आपको देखने को मिल जाते हैं। गेम का ग्राफिक्स क्वालिटी नेक्स्ट लेवल का है, जरूर से इस गेम को प्ले करना चाहिए। गेम टोटली फ्री टू प्ले है, आप स्टीम में जाके इस गेम को आराम से फ्री में इंस्टॉल कर सकते हैं। गेम की सिस्टम रिक्वायरमेंट की बात करें तो ये रैम की बात करें मात्र 4GB होना चाहिए, ग्राफिक कार्ड की बात करें प्रोसेसर की बात करें i3 में गेम आराम से जाएगा, स्पेस की बात करें तो 10GB के आसपास स्पेस है लगना इस गेम को इंस्टॉल करने के लिए। अगर मन कर रहा है चलो यार थोड़ा वाइटा वाइटिंग कर लिया जाए, फोन के जाओ इस गेम को इंस्टॉल करें। वेल गाइस, इसी के साथ बढ़ते हैं हमारे 7th गेम के ऊपर, बल्कि जो हमारा 7th गेम निकल के आता है उस गेम का नाम है डीजी स्पीड स्टोम। डीजी स्पीड स्टोम की बात करें अनलिमिटेड जीरो बेस्ड कॉम्बैट रेसिंग गेम है, जहां पर आप डीजी के हर एक कैरेक्टर के साथ यहां पर आपको रेसिंग करना पड़ता है। एंड इस गेम की सबसे अच्छी बात ये दोस्तों एक मल्टीप्लेयर गेम है, तो आप अपने प्यारे दिलों दोस्तों साथ इस गेम को मल्टीप्लेयर में खेल सकते हो। गेम की बात करें तो गेम आपके पीसी प्लेटफॉर्म के लिए काफी आसान तरीके से उपलब्ध है। गेम को डेवलप एंड पब्लिश किया गया है यूबीसॉफ्ट के द्वारा। एंड इस गेम में आपको अलग अलग मोड्स देखने को मिल जाएंगे, एंड यहाँ पर आपको काफी डिफरेंट टाइप ऑफ मिशंस देखने को मिल जाएंगे, जिसे कंप्लीट करके आपका भाई आपको कतई काफी मजा आने वाला है। गेम में आपको अलग अलग टाइप से हाई क्वालिटी कार्ड्स देखने को मिलेंगे। तक रिलीज नहीं हुआ है इस गेम का, रिलीज डेट अभी फिक्स नहीं हुआ, बट क्या पता 2023 में ये गेम रिलीज करने को मिल जाए। रैम की बात करें तो मात्र 6GB होना चाहिए, ग्राफिक कार्ड की बात करें तो मात्र 2GB होना चाहिए, प्रोसेसर की बात करें तो i3 में गेम आराम से चल जाएगा, स्पेस की बात करें 20GB के आसपास स्पेस है और इस गेम को इंस्टॉल करें। तो अगर आपका मन कर रहा है गेम को देख लिया जाए भैया कब रिलीज हो रहा है क्या, तो नीचे लिंक है वहां से आप गेम को चेकआउट कर सकते हैं। वेल गाइस, इसी के साथ बढ़ते हैं हमारे 8th गेम के ऊपर, उस गेम का नाम ऑपरेशन है जो स्टॉक की बात करें तो डेवलप एंड पब्लिश किया गया क्लीनिंग लैब्स के द्वारा। एंड बेसिकली ये गेम प्लेटफॉर्म के लिए काफी आसान तरीके से उपलब्ध है। गेम को रिलीज किया गया था 16 फरवरी 2023 को, तो गेम दोस्तों टोटली न्यूली गेम है। एंड ये गेम में आपको वो हर एक चीज देखने को मिलते हैं जो कि आप एक शूटर गेम में खोजते हो। इस गेम में आपको सिंगल प्लेयर मिशन देखने को मिलता है, कोऑपरेटिव बोर्ड्स देखने को मिलते हैं, मल्टीप्लेयर सर्वर देखने को मिलते हैं, एंड इस गेम में आप टीम वर्कशॉप देखने को मिलते हैं। ये सभी चीज प्रीमियम
रैंडम गेम्स में हमें देखने को मिलती हैं। तो भैया ये टोटली फ्री टू प्ले गेम, दोस्तों जो एनवायरनमेंट देखने को मिलेगा गेम का वो टोटली ओपन वर्ल्ड है। कॉल ऑफ ड्यूटी की गेम्स खेलते एज इट इज सेम गेम है दोस्तों, काफी मजा आने वाला है। गेम की सबसे बड़ी बात दोस्तों ये कि फ्री टू प्ले गेम है एंड ग्राफिक्स क्वालिटी नेक्स्ट लेवल का है। जरूर से इस गेम को ट्राई करें। क्योंकि सिस्टम रिक्वायरमेंट की बात करें, रैम की बात करें तो 8GB होना चाहिए एंड दोस्तों इसको आप 4GB में भी आराम से खेल सकते हो अगर आपके पास 2GB का ग्राफिक कार्ड है। एंड प्रोसेसर की बात करें तो i3 का होना चाहिए। ग्राफिक कार्ड की बात करें तो 2GB के आसपास आपकी पीसी या लैपटॉप में ग्राफिक कार्ड होना ही चाहिए, इतना तो भाई रहता ही है। और स्पेस की बात करें तो 15GB के आसपास स्पेस का इस गेम को इंस्टॉल कर लेंगे। अगर आपका मन कर रहा है चलो थोड़ा फाइटर वाइटिंग कर लिया जाए, थोड़ा सोल्जर उल्जर बन लिया जाए, तो खुद फन की जाओ एंड इस गेम को इंस्टॉल कर लो। वेल गाइस, इसी के साथ बढ़ते हैं हमारे 9th गेम के ऊपर। इस बार 9th गेम निकल के आता है, उस गेम का नाम है कार्ट राइडर ड्रिफ्ट। डिज्नी स्पीड स्टॉर्म को के लिए वेट नहीं कर सकते भैया, हमको तो ऐसा टाइप का गेम खेलना ही है। कार्ट राइडर ड्रिफ्ट सिर्फ आप ही के लिए बना हुआ। सेम ग्राफिक्स एंड सेम मोड्स देखने को मिल जाते हैं। इनफैक्ट जो आपको कार देखने को मिलते हैं, जो मैकेनिज्म देखने को मिलते हैं, वो भी यहाँ पर आपको सेम एज इट इज देखने को मिल जाते हैं। फ्री टू प्ले क्रॉस प्लेटफॉर्म कार्ट रेसिंग गेम है दोस्तों एंड ये आपके पीसी प्लेटफॉर्म के लिए काफी आसान तरीके से उपलब्ध है। ट्राई करो सेम एट इज जो मोड्स अपने देखने को मिलते हैं, मल्टीप्लेयर मोड्स। यहाँ पर आपको काफी अच्छा ग्राफिक्स क्वालिटी देखने को मिल जाता है, काफी अलग अलग टाइप्स के यहाँ पर व्हीकल देखने को मिल जाते हैं। बट यहाँ पर कैरेक्टर का डिफरेंस होता है, यहाँ पर आपको अलग कैरेक्टर देखने को मिलते हैं। वो डजंट मैटर दोस्तों, अपने को अच्छा गेम खेलने को मिल रहा है। सिस्टम रिक्वायरमेंट की बात करें, रैम की बात करें तो मात्र 4GB होना चाहिए। ग्राफिक कार्ड की बात करें तो 2GB नीड है। तो प्रोसेसर की बात करें तो i3 में गेम आराम से चल जाएगा। स्पेस की बात करें 30GB के आसपास स्पेस है इंस्टॉल कर। इसी के साथ बढ़ते हैं हमारे 10th गेम के ऊपर। जो मेरा 10th गेम निकल के आता है, उस गेम का नाम है क्रॉस आउट। एंड क्रॉस आउट की बात करें, जहाँ पर आपको व्हीकल कॉम्बैट देखने को मिल जाती है। यहाँ पर आपको अपने कस्टम बिल्ड व्हीकल से बैटल करना पड़ता है। यहाँ पर आपको जो मिशन दिए जाते हैं उसे आपको कम्प्लीट करना रहता है। यहाँ पर सबसे अच्छी बात ये दोस्तों की अपने व्हीकल को आप फुली कस्टमाइज कर सकते हो, उसके अंदर आर्मर वेपन एंड काफी सारे और भी मॉडिफिकेशन कर सकते हो दोस्तों। वो काफी यहाँ पर आपको बड़ा देखने को मिल जाता है। इट्स मीन ये टोटली ओपन वर्ल्ड यहाँ पर आपको मैप देखने को मिल जाता है। वो हर तरह से आपके ऊपर एनिमी पर हमला करेगा एंड उनसे आपको बचते बचाते मिशंस को कंप्लीट करना। जैसे जैसे आप यहाँ पर आप फाइट्स को विन करते जाओगे, अपने व्हीकल्स को यहाँ पर आप अपग्रेड कर सकते हो, मतलब और भी हैवीली बना सकते हो। एंड इस गेम ग्राफिक्स क्वालिटी का क्या कहना है, नेक्स्ट लेवल का ग्राफिक्स क्वालिटी गेम आपको देखने को मिल जाता है। गेम के सिस्टम रिक्वायरमेंट की बात करें, रैम की बात करें तो मात्र 4GB होना चाहिए। ग्राफिक कार्ड की बात करें तो मात्र 2GB होना चाहिए। प्रोसेसर की बात करें तो भैया i3 में गेम आराम से चल जाएगा। स्पेस की बात करें 12GB के आसपास स्पेस है, लगना इस गेम को इंस्टॉल करें। यही कुछ 10 फ्री टू प्ले गेम थे आपकी पीसी या लैपटॉप के लिए। ये गेम पसंद आए होंगे, पसंद आए तो प्लीज कमेंट सेक्शन में बताना कि आपको कौन सा गेम सबसे ज्यादा पसंद आया। टू प्ले या टॉप 10 गेम खोज रहे हैं तो भैया हमारे चैनल पर आपको काफी सारे वीडियोस मिल जाएंगे। और इनमें से अगर आप कोई भी गेम खेलना चाहते हैं तो नीचे लिंक मिल जाएगा वेबसाइट का, वहां से आप इस गेम को प्ले कर सकते हैं। मैं मिलता हूं एक और ऐसी वीडियो में, तो अपना ख्याल रखना, अपने परिवार का ख्याल रखना। तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।